ये हैं दुनिया के पांच सबसे जहरीले सांप। इनका काटा पानी तक नहीं मांगता। पहले नंबर पर है बूम स्लैंग। अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाने वाला बूम स्लैंग स्नेक बहुत खतरनाक होता है, जिसका शारीरिक रंग हरा होता है और इस वजह से ये सांप पेड़ पौधों के बीच खुद को आसानी से छिपा लेता है। बूम स्लैंग की औसत शारीरिक लंबाई 100 से 160 सेंटीमीटर के बीच होती है, जबकि कुछ मामलों में इस सांप की लंबाई 183 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। आमतौर पर ये सांप इंसानों से दूर जंगलों में रहता है, लेकिन अगर गलती से कोई इसके संपर्क में आने की कोशिश करता है तो उस स्थिति में ये सांप हमला करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटता है। बूम स्लैंग के काटने पर फेफड़े, दिल, किडनी और ब्रेन फेल होने का खतरा बना रहता है, जबकि कई बार पीड़ित को इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। इस सांप की खासियत है कि इसके जहरीले दांत जबड़े में आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ होते हैं, जबकि इसके जहर में हीमोटॉक्सिन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। ये जहर शरीर में जाते ही खून के साथ मिक्स होकर खून के बहाव के लिए जिम्मेदार होता है, जिसकी वजह से पीड़ित की ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हो जाती है। बूम स्लैंग का छोटा बच्चा भी किसी जीव या इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, जिसकी बाइट से 24 घंटे के अंदर मौत होने का खतरा होता है। नंबर दो पर है रसेल वाइपर। ये सांप मुख्य रूप से चावल के खेतों में रहता है, जिसकी वजह से जाने अनजाने में कई किसान इस सांप के हमले का शिकार हो जाते हैं। रसेल वाइपर नाम का ये सांप जहरीला और बहुत ही खतरनाक होता है, जिसकी शारीरिक लंबाई 1.24 मीटर के आसपास होती है। इस सांप के जबड़ों में सुई जैसे नुकीले दांत पीड़ित के शरीर में बहुत तेजी के साथ जहर इंजेक्ट करते हैं, जो खून के संपर्क में आने से पूरी बॉडी में फैल जाता है। अकेले भारत में हर साल सैकड़ों लोगों की मौत रसेल वाइपर के काटने से हो जाती है, जबकि श्रीलंका और इंडोनेशिया में चावल की खेती करने वाले किसान भी इस जहरीले सांप के हमले का शिकार हो जाते हैं। रसेल वाइपर के काटने पर किडनी, हार्ट और ब्रेन फेल होने का खतरा बढ़ जाता है, जबकि इसके जहर की वजह से बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है और समय पर इलाज न मिलने की स्थिति में पीड़ित की मौत हो जाती है। रसेल वाइपर के काटने के बाद पीड़ित के जिंदा बचने के चांस बहुत ही कम होते हैं, जबकि कई बार जिंदा बचने वाले लोगों में आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलते हैं। नंबर तीन पर है ब्लैक माम्बा। ये एक तेज रफ्तार से रेंगने वाला सांप है, जिसकी शारीरिक लंबाई 2 से 3 मीटर के बीच होती है। ब्लैक माम्बा को विश्व का दूसरा सबसे लंबा और जहरीला सांप माना जाता है, जिसके जहर की महज 2 बूंदें इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए काफी होती हैं। ब्लैक माम्बा का शारीरिक रंग औसतन काला ही होता है, जिसका जहर सीधा नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों पर हमला करता है। इस वजह से पीड़ित को लकवा मार जाता है और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। हालांकि अगर ब्लैक माम्बा के हमले के 20 मिनट बाद तक पीड़ित को इलाज मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है, लेकिन कई मामलों में इलाज के बाद भी पीड़ित की बॉडी पर लकवे का असर रहता है, जबकि ये सांप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रेंगता है और इसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन होता है। नंबर चार पर है किंग कोबरा। एशिया में पाया जाने वाला किंग कोबरा जहर के मामले में बहुत ही खतरनाक होता है, जिसकी एक बाइट इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए काफी होती है। किंग कोबरा की शारीरिक लंबाई 3.18 से 4 मीटर के बीच होती है। हालांकि कुछ मामलों में 5 से 6 मीटर लंबे सांप को देखने का दावा भी किया गया है। इस सांप का शारीरिक रंग काला होता है, जिसमें क्रॉस बैंड्स का डिजाइन बना होता है। माना जाता है कि किंग कोबरा की आंखें बहुत ही तेज होती हैं, जो अपनी तरफ बढ़ रहे इंसान को 300 फीट की दूरी से देख लेता है और खतरा महसूस होने की स्थिति में अपने फन को फैला लेता है। इतना ही नहीं, किंग कोबरा अपने शरीर का एक तिहाई हिस्सा जमीन से ऊपर उठाने में सक्षम है, जिससे ये अपने दुश्मन को चेतावनी देता है। किंग कोबरा का जहर 15 मिनट के अंदर एक वयस्क हाथी को मार सकता है, जबकि इंसान के लिए भी इस सांप का जहर जानलेवा साबित होता है। नंबर पाँच पर है इनलैंड ताइपेन। दुनिया के सबसे जहरीले और खतरनाक सांपों की लिस्ट में इनलैंड ताइपेन का नाम भी शामिल है, जिसका जहर पल में किसी भी स्वस्थ इंसान की जान ले सकता है। यह जहरीला सांप मुख्य रूप से सेंट्रल ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में रहता है, जो आमतौर पर इंसानों की पहुंच से दूर रहना पसंद करता है। इनलैंड ताइपेन की शारीरिक लंबाई 2.5 मीटर के आसपास होती है, जबकि इसकी बॉडी पर ब्राउन और ब्लैक रंग का क्रॉस डिजाइन बना होता है। बताया जाता है कि इनलैंड ताइपेन अपने शिकार के शरीर में पूरा जहर नहीं छोड़ता है,
बल्कि ये किसी इंसान या जीव को आधा ही डसता है, लेकिन इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि उसकी जरा सी भी मात्रा किसी भी स्वस्थ जीव या इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए काफी होती है। इनलैंड टाइपेन आमतौर पर एक अटैक में 44 mg जहर छोड़ता है, जबकि सांप की एक बार में जहर छोड़ने की क्षमता 110 mg के बराबर होती है। इस सांप के जहर में न्यूरोटॉक्सिन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो लीवर फेल, हार्ट अटैक, ब्रेन डैमेज और मांसपेशियों में सिकुड़न की वजह बनता है। अगर इनलैंड टाइपेन किसी इंसान को डस ले तो उसे एक घंटे से कम समय में इलाज मिलना बहुत ही जरूरी होता है, वरना पीड़ित की मौत होना तय है। इस सांप के काटने के बाद इंसान के बचने के चांस बहुत कम होते हैं, जबकि जिंदा बचे लोगों के शरीर पर लंबे समय तक इसके अटैक का असर देखने को मिलता है। दोस्तों, इनमें सबसे जहरीला सांप कौन सा है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।